Hello students, sorry I was unable to make videos from few months because of some personal reasons, but now I will try to cover all the topics from pharmacy and I will try to make videos as early as possible. Okay, so now today we will start a new topic. It is not new, it is a topic from combinatorial chemistry that we have studied earlier. Now from combinatorial chemistry, we have seen the basics of combinatorial chemistry and then the solid phase synthesis. That is, it is a type of combinatorial chemistry. Now we will see another type, that is parallel synthesis in combinatorial chemistry. Okay. Now what is mean by parallel? Parallel means it is if anything happens at the same time, parallelly, then means same thing happening at the same time. It is known as parallel synthesis. Okay, so let's see how it is applicable to combinatorial chemistry. Okay, so parallel synthesis, in which generally we know that in combinatorial chemistry, we take a reactant and means various types, that is, if A is reactant, so we take A1, B1, A1, A2, A3, that are types of the reactant, and we add the another possible analogs of another reactant, that is, if two reactants are there, then we take analogs of that reactant, that is A1, A2, A3, A4. And if second reactant is B, then we will take analogs, that is B1, B2, B3. That is what happens. And then we will make or unite that reactants, and there is a formation of various types of product at one time. It is known as combinatorial chemistry. Okay. So in that we have seen solid phase synthesis. Here in solid phase synthesis, we were using solid support for the formation of combinatorial libraries. That is, सॉलिड सपोर्ट हम यूज करते थे और उस सॉलिड सपोर्ट पे हम जो भी कॉम्बिनेशंस बनाना है वो बनाते थे. ओके, सो वो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो अगर आपको सॉलिड सपोर्ट इन डिटेल में पढ़ना है तो. सो नाउ इन व्हाट इज पैरेलल सिंथेसिस. सो पैरेलल सिंथेसिस में भी कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री का टाइप है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बहुत सारे लाइब्रेरीज एक साथ फॉर्म होंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो एक साथ फॉर्म होंगे, बट दे आर फॉर्मिंग पैरेलली. पैरेलली हमको एक साथ ही फॉर्म करना है, बट एट द सेम टाइम और सेम उसमें मतलब सेम वेसल या सेम ट्यूब या वेल हमको यूज करना है. वहां पे मीन्स एवरीथिंग वुड बी सेम, मतलब जो भी हम एपरेटस यूज कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ रहेगा कि वो भी सेम है. तो ये सब हम पैरेलल सिंथेसिस में पढ़ने वाले हैं. तो अब देखते हैं व्हाट इज पैरेलल सिंथेसिस. तो पैरेलल सिंथेसिस, इट इज द इन दिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट लाइब्रेरीज विद द एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन डिफरेंट रिएक्शन वेसल. मीन्स अगर पैरेलल सिंथेसिस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, जैसे सपोज ये सपोज हमारा कोई रिएक्टेंट है तो उसमें हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, ऐसे रिएक्टेंट के हमने सेम वेसल लिए हैं, जैसे सपोज 20, 25 या 300, 400 जितने हमको लेना है, और सेम टाइम पे हम सेम टाइम पे सब में अनादर रिएक्टेंट ऐड करेंगे और वहां पे सेम टाइम पे सब में रिएक्शन होगा और उन वेसल्स में रिएक्टेंट जो भी प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा. ठीक है, तो अब वो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, फिर उसका बाद में हमको देखना है कि उसको प्यूरिफाई करना है, क्या क्या करना है. तो उसके लिए इन पैरेलल सिंथेसिस अलग अलग टेक्निक्स है कि उन्होंने कैसे किया है, क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि पैरेलल सिंथेसिस में सिंथेसिस होता है एट द सेम टाइम, बट व्हाट इज द डिफरेंस, टेक्निक अलग अलग है, सबके टेक्निक अलग अलग है. तो अब कौन से टेक्निक, तो यहाँ पे एक टर्म है कि इट इज यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग अ रेंज ऑफ एनालॉग्स फॉर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड ड्रग ऑप्टिमाइजेशन. ड्रग ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग पता है क्या सबको? ड्रग ऑप्टिमाइजेशन इज नथिंग बट अगर कोई ड्रग है, सपोज पैरासिटामोल, उसके आपको टैबलेट बनाना है, तो पैरासिटामोल के साथ हमको देखना पड़ेगा कौन से एडिटिव्स जो ऐड करते हैं हम टैबलेट बनाने के लिए, वो कौन से एडिटिव्स है जो उसके साथ मीन्स उसके साथ इनकम उसके साथ कंपेटिबल है. ठीक है, तो अगर एडिटिव्स बहुत सारे हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, चार फॉर्मूले बनाना पड़ेगा उसके लिए, बराबर, अलग अलग चार, सपोज चार फॉर्मूले बनाना है, क्योंकि
एक फॉर्मूला में एक अलग एडिटिव, सेकंड में अलग, थर्ड में अलग, फोर्थ में अलग, तो ऐसे टाइम लेता है. बट इन पैरेलल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्या किया, पैरासिटामोल का एक एडिटिव इसमें डाल दिया, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, और पांचों रिएक्शन क्या हो रही है, एक साथ हो रही है, रिजल्ट एक साथ मिल रहा है. और यहाँ पे हम क्या करते थे, पहला पहले, फिर दूसरा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, है ना. तो दिस इज कॉल्ड ड्रग ऑप्टिमाइजेशन. सो इट इज पैरेलल सिंथेसिस, इट विल बी यूजफुल इन ड्रग ऑप्टिमाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. मीन्स जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे पैरासिटामोल का है तो उसमें क्या है, उसमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का यूज क्या है, ठीक है. तो ये सब हम पैरेलल सिंथेसिस में, ये सब हमको इजी हो जाता है पढ़ना. ओके, सो अब अलग अलग टेक्निक्स, लेट सी द टेक्निक्स ऑफ और टाइप्स ऑफ पैरेलल सिंथेसिस कैसे कैसे करते हैं. तो इट इज अ हॉटन स्टी बैग प्रोसीजर. हॉटन इज नथिंग बट इट इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस प्रोसेस. ओके, प्रोसीजर. सो इन दिस टी बैग, मीन्स यहाँ पे कुछ तो बैग जैसा होगा, ठीक है. तो टी बैग का मीनिंग क्या है, तो टी बैग मीन्स ये जो मेश जैसा है, जो ये जाली का बैग है, इसको टी बैग बोला हुआ है. तो इसमें साइंटिस्ट ने क्या लिया, ऐसे जाली का बैग लिया है, दैट इज ऐसे बैग लिए. ओके, और फिर उसमें क्या डाला है, उसने बीड, ही एडेड वन बीड. बीड क्या होता है, तो बीड इज नथिंग बट इट इज पॉलीमेरिक बीड. तो वो क्या है, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है. तो बीड जो है तो वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, इट इज फॉर सपोर्ट. लाइक हमने सॉलिड सपोर्ट में देखा था, वहां पे बीड्स रहते हैं, तो इट इज फॉर सपोर्ट. तो हमने क्या किया, टी बैग्स ली, ठीक है, एक दो या 25 30, जितनी 25 30 40 जितनी लेना है, ठीक है, उतनी टी बैग ली. उसमें सब में क्या डाले हमने, बीड डाले, ठीक है. अब उस बीड के साथ हमने एक सिंगल प्रोडक्ट डाल दिया जो भी हमको बनाना है. सपोज वी आर मेकिंग अमाइनो एसिड, तो अगर हम अमाइनो एसिड हमको बनाना है, अमाइनो एसिड का पॉलीमेरिक चेन बनाना है, तो हमने क्या किया, एक बीड बैग में डाला है बीड, और सॉरी बीड बैग, टी बैग में डाला है बीड, और उसमें हमने क्या डाला है, वन अमाइनो एसिड, ठीक है. ठीक है, अब ऐसे हमने बीड बैग, सपोज 25 बीड बैग्स हमने बना लिए. अब हम क्या करेंगे, सेकंड रिएक्टेंट इज अवर सॉल्यूशन. हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, वो हमारा क्या है, सेकंड रिएक्टेंट है. अब हम क्या करेंगे, इन दैट रिएक्टेंट वी विल ऐड ऑल द बीड बैग्स वी मेड, ऑल द टी बैग्स वी मेड. ठीक है, तो टी बैग्स जो है हमने बनाए हुए, वो हम उसमें डालेंगे. अब क्या होगा, नाउ दिस सेकंड रिएक्टेंट विच इज इन लिक्विड फॉर्म विल रिएक्ट विद ऑल द कंपाउंड्स इनसाइड द टी बैग्स, है ना. मेश है ना ये, जाली का है, तो इसके अंदर से क्या जाएगा, लिक्विड इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जाके क्या होगा, हर टी बैग में, ऐसे इतने सारे टी बैग हम एक में डालेंगे, तो हर टी बैग में क्या होगा, अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. और बाद में कुछ टाइम बाद हम सब टी बैग को निकाल लेंगे, तो क्या होगा, हर टी बैग में हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे. तो एक साथ हमने यहाँ पे दो रिएक्टेंट यूज करके एक साथ हम एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, दैट इज द यूज ऑफ, लेकिन ये कैसे बना, दैट इज द यूज ऑफ हॉट एंड स्टी बैग प्रोसीजर. अब ये कैसे बना, इट इज मेड पैरेलल, इसलिए इसको पैरेलल सिंथेसिस बोलते हैं, बिकॉज इट इज मेड पैरेलली एट द सेम टाइम. सेम थिंग किया सबके साथ, सब में बीड्स डाला, सब ने अमाइनो एसिड अलग अलग डाला, लेकिन एट द, और सबको फिर एक लिक्विड में डाल दिया, और एट द सेम टाइम क्या हुआ है, इतने सारे हमको प्रोडक्ट्स मिल गए हैं. तो दैट इज मीन्स हमने बहुत सारे प्रोडक्ट एट द सेम टाइम प्रोड्यूस किए. तो इट इज अ टाइप ऑफ पैरेलल सिंथेसिस. सो इट इज चीप एंड पॉसिबल फॉर एनी लैब. चीप है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है, आप टी बैग्स लाओ और उसमें फिर यूज करके डायरेक्टली बना सकते हो, और लैब में भी आप ये कर सकते हो. इसमें कुछ ऐसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट कुछ लग रहा है ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है. एंड मैनुअल प्रोसीजर, मैनुअली करना है आपको, टी बैग लेना है खुद से, मैनुअली करना है, कोई मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स. एक इसका डिसएडवांटेज है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं बना सकते. क्यों, क्योंकि क्या होता है, टी बैग्स जो हम लेते हैं सब हम एक सॉल्यूशन में जब ऐड करते हैं, तो उस एक सॉल्यूशन के साथ जितने अलग अलग रिएक्टेंट कंपेटेबल है, जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, उतने ही हम यूज कर सकते हैं एट वन टाइम. तो ज्यादा प्रोडक्ट्स एट वन टाइम फॉर्म नहीं होते, दैट इज
hot ends debug procedure. Okay, now next type is automated parallel synthesis. Automated means the word itself says something automatic is there. Okay, so automated parallel synthesis kya hota hai? We will see the diagram. In the diagram we can see ye wells hai, theek hai. So ab ye jo wells hai to in wells mein kya hai, yahan pe humne ye jo liya hai. तो ये वेल्स जो है तो उसमें क्या इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड सिंथेसाइजर. इससे क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है. तो उसमें ये जो वेल्स है या वेसल है, इसको वेसल बोलो वेल बोलो जो भी बोलो, ये हम कितने भी यूज कर सकते हैं. कोई कोई 42 यहाँ पे दिया हुआ, 42, 96, 144 कितने भी वेसल्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है. और वहां पे फिर सॉलिड फेस सपोर्ट के लिए हम बीड्स पिन्स यूज करते हैं. ये इट इज पैरेलल सिंथेसिस में नथिंग बट इट इज सम टाइप ऑफ सॉलिड सपोर्ट सिंथेसिस. इसमें सॉलिड सपोर्ट हम यूज करते हैं. एंड अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रिएक्टेंट ये जो है सॉलिड सपोर्ट, इसमें ये सॉलिड सपोर्ट है, ठीक है. अब ये सॉलिड सपोर्ट है, एक रिएक्टेंट यहाँ पे है इसमें, और एक रिएक्टेंट जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में हो वो बेल्स में. तो अब हम ये क्या करेंगे, ये क्या ऑटोमेटिकली एक मशीन है, उससे ये क्या होगा, ये जो भी ये ऊपर का है ये क्या होगा, एकदम से नीचे जाएगा और इसमें डीप हो जाएगा. ये ऐसे बीड्स नीचे जाएंगे, इसमें डीप हो जाएंगे. अब इसमें डीप होने के बाद क्या होगा, इनके साथ होगा रिएक्शन. रिएक्शन होके हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट. सो यहाँ पे क्या हो गया, पैरेलली अलग अलग वेल्स में सेम टाइम पे सेम चीज फॉर्म हो रही है. मीन्स सेम कंपाउंड, सब सेम कंपाउंड नहीं है बट सेम टाइम पे वर्कअप हो रहा है, तो इट इज अ पैरेलल सिंथेसिस. एंड ऑटोमेटेड, व्हाई ऑटोमेटेड, बिकॉज ये सब ऑटोमेटिकली रहा है. यहाँ पे हमने वो मशीन लगा दी है तो उसके कारण वो अप डाउन होता है. तो वो अपने हाथ में है कि अगर हम कोई बटन प्रेस कर दे वो डाउन हो जाएगा, डाउन होने के बाद में इसमें डीप हो जाएगा, इसमें डीप होने के बाद में क्या होगा, वो अपने आप देयर विल बी रिएक्शन इन बिटवीन बोथ द रिएक्टेंट्स एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो हमने क्या किया, सेम रूट यूज किया फॉर ईच वेसल, ठीक है, बट डिफरेंट रिएजेंट. रिएजेंट क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट प्रोडक्ट पर वेसल. मीन्स यहाँ पे क्या है कि रिएजेंट रूट सेम है लेकिन हर वेसल में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग रिएजेंट ऐड कर सकते हैं. अलग अलग रिएजेंट ऐड करने से क्या होगा, अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. और टी बैग में क्या था, हम सब टी बैग को एक ही रिएजेंट में ऐड करते थे, अलग अलग रिएजेंट में नहीं, ठीक है. तो वो वहां पे ये डिफरेंस है. और यहाँ पे क्या है, इसलिए टी बैग प्रोसीजर में कम अमाउंट में हम बना पाते हैं और यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट हम सिंथेसाइज कर पाते. सो दिस इज अ ऑटोमेटेड पैरेलल सिंथेसिस. ओके, सो यू कैन सी हियर ऑटोमेटेड पैरेलल सिंथेसिस. ये सपोज हमारा ये है, ये वेल्स में हमने लिया हुआ जो है, ये वेल्स है और इसमें हमने लिया हुआ मतलब हमारा ये है रिएजेंट है ये, फिर उसमें हमने ये सपोज ऐड किया तो ये क्या होगा, सबके साथ ऐड होगा, बराबर. सबके साथ रिएक्ट कर, रिएक्शन करेगा. रिएक्शन करके अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 प्रोडक्ट्स एट वन टाइम फॉर्म हो गए. तो उसमें हमने सपोज अगेन वन मोर रिएजेंट ऐड किया तो अब क्या हो गए, 16 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, है ना. ये दो दो तो 16 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए. अब वापस एक ऐड किया तो 32 फॉर्म हो गए, है ना. तो इन दिस वे हम एक अगर ऐड करना है, वापस ऐड करते हैं रिएक्टेंट एट वन टाइम, तो हमारे साथ हमको हर इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं. तो सपोज वन वेल में हमको मिलते हैं 32, अनदर वेल में और 32 मिलेंगे, ऐसे अलग अलग वेल में अलग अलग प्रोडक्ट हमको मिलेंगे क्योंकि रिएजेंट सपोज डिफरेंट है और हम रिएक्टेंट भी अलग डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमको बहुत टाइप्स के प्रोडक्ट मिलेंगे. सो ऑटोमेटेड पैरेलल सिंथेसिस ऑफ ऑल 27 ट्राइपेप्टाइड्स. यहाँ पे कितने ट्राइपेप्टाइड फॉर्म हुए, ये है ट्राइपेप्टाइड दैट इज वन अमाइनो एसिड, इफ वन अमाइनो एसिड तो ये हो गया मोनोपेप्टाइड, फिर उसमें दूसरा डाला तो ये हो गया डाइपेप्टाइड, तो उसमें तीसरा डाला तो ये हो गया ट्राइपेप्टाइड, ठीक है. तो ये क्या हुए, ये हो गए सेवन, एक के साथ सेवन ट्राइपेप्टाइड मिले, तो हमारे
जितने वेल्स रहेंगे उतने हमको ट्राइपेप्टाइड मिल सकते हैं, राइट? ट्राई नहीं, टेट्रापेप्टाइड भी मिल सकते हैं, पेंटा भी, अपने ऊपर डिपेंडेंट है कि हम कितने उसमें अमीनो एसिड ऐड कर रहे हैं, दैट इज वो वेल जो है उसमें. तो अब यहाँ पे सपोज हम यूज कर रहे हैं कि 3 अमीनो एसिड, तो 3 अमीनो एसिड से हमको कितने में पेप्टाइड मिल रहे हैं, हमको 27 पेप्टाइड वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस 1, 2, 3 अमीनो एसिड एट वन टाइम. ओके, वी आर गेटिंग 27. अगर हम ज्यादा अमीनो एसिड यूज करें तो हमको ज्यादा ट्राइपेप्टाइड या टेट्रापेप्टाइड भी मिल सकते हैं. अगर हम जितना ज्यादा उसको यूज करें, जितने बार ऐड करें, उतने ज्यादा हमको पेप्टाइड्स मिलेंगे. ओके, सो दिस यू कैन सी हियर 27 ट्राइपेप्टाइड्स इन 27 वायल्स. ठीक है, वायल्स यूज किए थे हमने, उसमें हमको 27 ट्राइपेप्टाइड मिले. हाँ, तो ये है ऑटोमेटेड पैरेलल सिंथेसिस की मशीन है. ओके, यू कैन सी हियर इट इज अ मशीन. ये मशीन है, हमने जो देखा था ये वेल्स है, ठीक है, और ये जो ऊपर जो था जो उसमें डीप हो चुका है, जो हमको ये बीड्स जो थे इसको अटैच्ड है और ये इसमें डीप हो चुके हैं, तो ऐसे ये जो है इसके यूज से हम उसको डीप कर सकते हैं. तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिक मशीन है, जब हम ऑन कर देंगे इसको तो क्या होगा, ये ऐसे यहाँ से ये पुली से ऊपर नीचे ऐसे होगा, अप डाउन, एंड ड्यू टू दैट क्या होगा, वो डीप होंगे अमीनो एसिड. फिर सेकंड इसमें अगर हमको सेकंड अमीनो एसिड ऐड करना है तो हम यहाँ पे उनमें और दूसरा अमीनो एसिड ऐड कर सकते हैं, फिर से डीप कर सकते हैं, फिर रिएक्शन होगा, डायपेप्टाइड फॉर्म होगा, थर्ड अमीनो एसिड ऐड करेंगे, फिर से डीप करेंगे, ट्राइपेप्टाइड फॉर्म होगा. इन दिस वे वी कैन मेक मिनी मीन्स वी कैन मेक पॉलीपेप्टाइड चेन एट एंड मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन एट वन टाइम. सो ये यूज होता है पैरेलल सिंथेसिस का. ओके, नाउ मल्टीपिन टेक्निक, इट इज समवॉट सेम एज लाइक जो हमने ऑटोमेटेड देखा, उसी में से एक सपोज टाइप है, बट इट इज ऑटोमेटिक नहीं है, वो ऑटोमेटिक था, ये ऑटोमेटिक नहीं है, हमको मैन्युअली करना है. सो यहाँ पे पॉलीमेरिक पिन सर्व एज अ सॉलिड सपोर्ट, ये जो है ये पॉलीमर से बनी हुई है ये पिन्स, वहां पे वैसा नहीं था, वहां पे हम बीड, वो पिन, ये जो पिन्स थी वहां पे उनको हम बीड लगा रहे थे और वो बीड सपोर्ट था. यहाँ पे क्या है, ये जो पॉलीमेरिक चैन है, ये जो पॉलीमेरिक पिन्स है, दीज आर द सॉलिड सपोर्ट, एंड यहाँ पे इनको लिंकर ऐड करके ये जो है इनमें हम ऐड कर रहे हैं अलग अलग रिएजेंट, और ये जो है ये हम मैन्युअली उसमें डीप करते हैं, डीप करते से रिएक्शन होता है. इट इज सेम एज लाइक दैट ऑफ ऑटोमेटेड पैरेलल सिंथेसिस, बट डिफरेंस इज ऑटोमेटेड इज इट वाज ऑटोमेटिक एंड इट इज मल्टीपिन टेक्निक. इट हैज पिन्स विच एक्ट एज एन पॉलीमेरिक पिन्स एंड विच एक्ट एज ए सॉलिड सपोर्ट एंड पॉलीमर इज फंक्शनलाइज विद अ वेराइटी ऑफ लिंकर्स. ठीक है, लिंकर्स रहते हैं जो हमने सॉलिड सपोर्ट में देखे थे, सॉलिड सपोर्ट के वीडियो में जाके देख सकते हो कि वॉट आर लिंकर्स, तो आपको पता चल जाएगा लिंकर क्या होता है, जो लिंक करता है, मीन्स इट लिंक्स, तो वो सब वहां पे आपको पता चलेगा. सो मल्टीपिन इट इज अ मल्टीपिन टेक्निक. होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टेक्निक्स ऑफ पैरेलल सिंथेसिस. सो अब उस पे से एडवांटेज और डिसएडवांटेज. अब एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज ये है कि वी आर यूजिंग डिफरेंट वेसल और डिफरेंट वायल्स और डिफरेंट वेल्स, है ना, तो डिफरेंट वेल्स है तो सबका रिएक्शन अलग अलग होगा. सो द कंपाउंड इज सब्सटेंशियली प्योर इन इट्स लोकेशन, तो प्योर कंपाउंड मिलेगा, मिक्स नहीं रहेगा उसमें कुछ. एंड डिफाइंड लोकेशन प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कंपाउंड, है ना, डिफाइंड है ना लोकेशन, कि एक वायल है, हमने एक वायल लिया हुआ है और एक वायल में ही हम सबके अलग अलग वायल है और उसमें हम डीप कर रहे हैं कुछ, तो अब हमको पता है कि दिस इज प्योर, उसमें कुछ भी एडेड नहीं है सेकंड थिंग. देन लोकेशन इज डिफाइंड, पता है कि फर्स्ट जो वायल है उसमें हमने ये अमीनो एसिड डाला था और उसमें ये रिएजेंट डिप किया था, तो हमको ये फिक्स पता है. सो इट इज इजी फॉर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, बराबर. सो हमको क्या है, वो इजी जाता है कि बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि हमको पता है कि ये अमीनो एसिड हमने इस अमीनो एसिड में डाला है तो इन दोनों का ही ये डायपेप्टाइड चेन होगा, तो अब बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते वक्त हम डायरेक्टली उसकी टेस्ट कर सकते हैं. ओके, दैट फॉर ऑफ दैट डायपेप्टाइड. ओके, सो वो एक पैरेलल सिंथेसिस का बड़ा मीन्स ये एडवांटेज हम बोल सकते हैं. सो डिसएडवांटेज इज अप्लीकेबल ओनली फॉर मीडियम लाइब्रेरीज,
बस सेवरल थाउजेंड कंपाउंड्स वी कैन मेक, ऐसे लैक्स और करोड़ ऑफ कंपाउंड वी कांट मेक फ्रॉम दिस पैरेलल सिंथेसिस. ओके, दैट इज ओनली द डिसएडवांटेज ऑफ दिस पैरेलल सिंथेसिस. बाकी तो ये इट इज मच यूजफुल एंड इट इज वेरी इजीअर टेक्निक देन एनी अदर टेक्निक्स. ठीक है, so now let's summarize the concept what we have seen today. So parallel synthesis, so parallel synthesis is there is a formation of various libraries of drug matlab various products by adding reactants in different vessel, hai na, different vessel we are using. So we are adding reactants in different vessel at the same time. Same thing is we are doing with all the reactant, means conditions are same for all. Okay, so बस यही है parallel synthesis में mainly. उसका ये definition लिखना है आपको, somewhat थोड़ा उसके details की क्या होता है parallel synthesis. उसके बाद में उसके तीन technique है. So one is Hortense teabag technique. Hortense teabag में हम क्या करते हैं, teabags बनाते हैं. Here you can see in elaborated form teabags है यहाँ पे, उसमें beads रखे हुए. Then वी आर एडिंग, हम ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग सोल्यूशन ले सकते हैं. अलग अलग सोल्यूशन को हम फॉर कपलिंग वी कैन एड सम टी बैग्स. लाइक अगर हमको अलग अलग रिएक्टेंट अगर चेंज करना है तो सेकंड रिएक्टेंट के लिए हम अलग अलग बॉटल्स यूज करते हैं. तो अलग अलग बॉटल्स यूज करते हैं, तो सपोज 50 टी बैग्स एक बॉटल में डाला, अनदर 50 इन अनदर बॉटल. तो इन दिस वे वी कैन चेंज अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन. अगर एक ही बॉटल में डालेंगे तो सेम चेन फॉर्म होगा. ठीक है, लेकिन जो टी बैग है उसमें रेजिन बीड्स जो है उसमें अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं. तो कपलिंग होगा उनका. ठीक है, फिर कपलिंग होने के बाद में क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एनी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोई भी कंपाउंड, जैसे डायपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड है, जो भी है वो फॉर्म होगा. फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वॉशिंग. वॉशिंग क्यों करते हैं, क्योंकि बाय यूजिंग डीएमएफ. व्हाई डू वी वॉश, वॉश क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम क्या करते हैं उसको क्लीन करते हैं. अगर उसमें एक का रिएक्टेंट, एक का रिएजेंट अगर दूसरे के इसमें, अगर सपोज रिएजेंट ऐड किया है हमने कोई, और अगर हमारा डायपेप्टाइड फॉर्म हो चुका है, तो वो उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी जस्ट वॉश इट. ओके, नाउ सेकंड इज ऑटोमेटेड टेक्निक. ऑटोमेटेड टेक्निक हमने देखा है, इसमें ये पिंस है, पिंस को क्या लगा हुआ है, बीड सॉलिड सपोर्ट लगा हुआ है, और वो वेल्स है, वेल्स में रिएजेंट एडेड है. हर वेल में अलग अलग रिएजेंट ऐड कर सकते हो, और फिर हम वो डीप करेंगे. हमने डीप करेंगे ऑटोमेटिकली, मशीन से वो डीप हो जाएगा, और डीप होने के बाद में वहां पे क्या होगा, अलग अलग वेल्स में अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपिन टेक्निक. तो मल्टीपिन टेक्निक में क्या है, यहाँ पे सेम वैसे ही है, अलग अलग पिंस है, बट पिंस एक्ट एज अ पॉलीमेरिक सपोर्ट. ठीक है, और पॉलीमेरिक सपोर्ट, ये माइक्रोटेटर प्लेट है, प्लेट्स में क्या डाला हुआ है हमने, रिएजेंट डाला हुआ है. फिर क्या करेंगे, हम मैन्युअली पिंस को इसमें प्रेस करेंगे, या फिर इसमें एड करेंगे, डीप करेंगे. डीप करने के बाद क्या होगा, वहां पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और हर वेल में हर अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. सो दैट इज व्हाट अबाउट पैरेलल सिंथेसिस. और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि हम बहुत सारे कंपाउंड एट वन टाइम फॉर्म नहीं कर सकते, नॉट मोर देन 1000. और एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस है कि हम इसको बहुत इजीली मतलब बना सकते हैं, और इट इज नॉट गेट मिक्स, मीन्स एवरी प्रोडक्ट फॉर्म्स एट इट्स ओन, अलग अलग जगह पे फॉर्म होते हैं, मिक्स नहीं होते है, और दैट्स वाई वो प्योरेस्ट फॉर्म में फॉर्म होते हैं. दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पैरेलल सिंथेसिस. और इट इज दैट्स वाई वी नो दैट इन विच वेल वी हैव एडेड विच अमाइनो एसिड रिएजेंट एंड विच पॉलीमेरिक सपोर्ट वी आर डिपिंग इन इट. सो वी नो एवरीथिंग. सो फॉर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन इट वुड बी यूजफुल फॉर अस. सो थैंक यू एवरी वन, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. अगर आपके कोई सजेशंस है कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो यू कैन आस्क मी. ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन.